राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों, जिस कीटनाशक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये आता है बायर कंपनी का और ये आपको देखने को मिल जाएगा मोवेंटो ओडी कीटनाशक के नाम से। इसके अंदर किसान भाइयों, दो तरह के जो कीटनाशक का जो कार्य करने का तरीका है, वो दो तरीके से कार्य कर लेता है। इसके अंदर आपको दो टेक्नोलॉजी दी गई हैं। पहली टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जाइलम टेक्नोलॉजी और दूसरी दी गई है इसके अब फ्लोएब टेक्नोलॉजी। दो तरीके से किसान भाइयों ये काम करता है। इनके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ कौन सा टेक्निकल इसके अंदर दिया गया है, फंगीसाइड के साथ या फिर कीटनाशक के साथ हम इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, रेनफास्ट एक्टिविटी इसकी कैसी है, कितने दिन तक ये हमारी फसलों पे कार्य करता है, क्या इसकी कीमत है और क्या इसकी डोज है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटी सी होगी लेकिन जानकारी आपको यहाँ पर मैं जबरदस्त देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बायर कंपनी के मोवेंटो ओडी कीटनाशक के बारे में कि इसके अंदर कौन सा टेक्निकल दिया गया है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल आपको देखने को मिल जाता है वो है किसान भाइयों स्पाइरो टेट्रामेट और ये 15.31% ओडी फार्मुलेशन के साथ देखने को आपको मिल जाता है। इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी हैं और दोनों टेक्नोलॉजी के बेस पे ये कार्य करता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये हमारा सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि सिस्टम के अंदर पहुंच करके छुपे हुए कीटों को ये मार सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई ये कार्य करता है। जो हमारी इसके अंदर जाइलम टेक्नोलॉजी दी गई है, इसका मतलब होता है ये पौधे में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और जो हमारा दूसरा दिया गया इसके अंदर फ्लोएब टेक्नोलॉजी, ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि यदि कीट हमारे ऊपर छुपे हुए हैं तब भी मरेंगे और कीट यदि हमारे नीचे छुपे हुए हैं तब भी किसान भाइयों ये जो हमारा टेक्निकल है, जो हमारा ये मोवेंटो ओडी कीटनाशक है, ये उन्हें मार सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों ये सिस्टमिक कीटनाशक के रूप में कार्य कर लेता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, ये जो है कौन कौन सी फसलों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग आप कर सकते हैं, मिर्च में कर सकते हैं, टमाटर में कर सकते हैं, गोभी में कर सकते हैं, लौकी में कर सकते हैं, गन्ने पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और भी अन्य फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जहां पर लगभग रस चूसक कीट जितने भी लगते हैं उन कीटों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से कीटों पर इसके अच्छे रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन जिन फसलों पर आपको इन कीटों का अटैक देखने को मिले, उन उन फसलों पर किसान भाइयों आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कीटों पर इसके अच्छे रेट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हमारी फसलों के अंदर माइट्स का अटैक होता है, माइट्स पर किसान भाइयों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। थ्रिप्स पर भी इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एफिड पर भी किसान भाइयों इसके बहुत ही बेहतरीन वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई पर भी किसान भाइयों इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिली बग पर भी किसान भाइयों ये बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। तो इतने सारे कीटों पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पर भी किसान भाइयों आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी डोज की, कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी है, प्रति एकड़ के लिए या फिर प्रति पंप के लिए। तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसे लेना है और इसका उपयोग अपनी फसलों पे कर सकते हैं। मान लीजिए 15 लीटर वाला पंप आपके पास है तो 15 लीटर वाले पंप के अंदर आपको 15 ml ही मोवेंटो ओडी कीटनाशक को डालना होगा और तब इसका स्प्रे करना होगा। और यदि आपको 200 लीटर पानी की आवश्यकता है तो 200 लीटर पानी के अंदर आपको 200 ml ही मोवेंटो कीटनाशक को मिलाना होगा, तब ये अच्छे तरीके से आपकी फसल के अंदर रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी कीमत की, कि इसकी कितनी कीमत मार्केट में रखी गई है। तो इसका जो 250 ml का पैक है, इसकी कीमत मार्केट में आपको 850 से लगा करके 950 रुपये के आसपास ये मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी महंगा है लेकिन इसका जो कार्य करने का तरीका है वो अभी बहुत ही बेस्ट है। इसके बात करते हैं कि टाइम पीरियड कितना है, कितने दिन तक ये कार्य कर लेता है। तो किसान भाई यदि मान लीजिए आज आपने इसका स्प्रे किया तो आज स्प्रे करने के लगभग 17 से लेकर 18 दिन तक इसके बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टाइम पीरियड का है क्योंकि जितने भी और कीटनाशक आते हैं वो 13 दिन 14 दिन तक ही रुक पाते हैं, लेकिन ये 17 से लेकर 18 दिन तक हमारी फसलों को जो है कीटों से बचा करके चल सकता है। रेन फास्ट एक्टिविटी की बात कर लें, मान लीजिए इसका स्प्रे आपने अभी किया और स्प्रे करने के लगभग 1 घंटे के बाद यदि बरसात हो जाती है तब भी आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो 90 से लेकर 95% के आसपास तक देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही कमाल का कीटनाशक ये होने वाला है। बात करते हैं प्रिवेंटिव में, यदि रोग लगने से पहले, कीट लगने से पहले आपने इसके स्प्रे किया तो इसके जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो 90% रिजल्ट आपको ये निकाल करके
दे सकता है। और यदि किसान भैया रोग लगने के बाद आपने इसका स्प्रे किया तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 80% के आसपास ही आपको अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्या हम इसके साथ में फंगिसाइड या फिर कीटनाशक मिला सकते हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ, ज़्यादातर आप फंगिसाइड और कीटनाशकों को इसके साथ मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन किसी भी तरह के टोनिक को, जैसे कि हमारे एनपीके हैं, उन्हें इसके साथ ना मिलाएं क्योंकि इसके लिए मना किया गया है। लेकिन एक जो हमारा कीटनाशक आता है जिसे बोलते हैं क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल, यानी कि जो हमारा कोराजन होता है, कोराजन वाले टेक्निकल को कभी भी आपको इसके साथ नहीं मिलाना है क्योंकि इसके लिए बिल्कुल ही मना किया गया है। तो इस टेक्निकल को इसके साथ आप नहीं मिलाएंगे, अदरवाइज अन्य को आप मिला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कीटनाशक या फंगीसाइड आप इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आप उसे मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और इसका स्प्रे करने का बिल्कुल सही और उपयुक्त समय है किसान भाइयों, शाम को 3 बजे के बाद, क्योंकि उस समय पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो मौसम में हल्की सी ठंडक आ जाती है, उसके बाद ये अच्छे कार्य आपको निकाल कर देगा, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।